मैं ऊपर जा रही हूँ, ये सारे गणपति जी आ रहे हैं विसर्जन करने के लिए। ये विसर्जन हो गया है, बहुत दूर जाना है पैदल पैदल, क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं आने दे रहे थे, इसलिए यहाँ देखो आरती हो रही है गणपति जी की। और यहाँ से एक बार और मैं आपको लोग बता देती हूँ नर्मदा जी का, ये देखिए कितनी बड़ी है नर्मदा जी। मैं ऊपर आ चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ। यहाँ आजू बाजू में बहुत सारे खेत है, तो आप देखिए यहाँ मकाई उग रही है। तो बहुत आगे तक जाना है, सभी थक गए हैं, फिर भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं तो चढ़ने उतरने में थक जाते हैं। आज हमारे गणपति जी का विसर्जन हो गया। मैं और आगे आपको मंदिर बताऊंगी, यहाँ नारेश्वर मंदिर है, बहुत अच्छा है। हर उसको अंदर से मोबाइल नहीं ले जाते हैं उसको,
कि मंदिर के अंदर, इसलिए बाहर से मैं आपको मंदिर बताऊंगी। और यहाँ दुकानें भी है, मैं आपको बताऊंगी। अभी दुकानें भी छोटी मोटी है, बड़ी तो नहीं है। देखो ये दुकानें छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ तो कुमकुम नारियल मिठाई यही भी मिलती है। और अभी तो और भी जनता आ रही है और जा भी रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और रात के 12 बजे तक आते हैं यहाँ पर विसर्जन करने के लिए, क्योंकि आज उनका रात के 12 बजे तक तो उनका दिन ही रहता है। इसलिए और मैं आपको और भी दुकानें बताऊंगी। ये देखो मनी प्लांट का पेड़ भी है यहाँ। और ये दुकानें देखिए, ये तुलसी की माला यही मिलता है यहाँ पर। फूल भी है देखो, और भी आगे चलती हूँ मैं आपको और भी बताऊंगी। यहाँ और सामान मिलता है, दीपक वगैरह, उसकी दुकान पे मैं आपको ले जाती हूँ अभी। देखो इन भैया की दुकान है यहाँ पर, ये यहाँ पे दीपक मिलते हैं। छोटे छोटे कटोरी गिलास भी थे ना भैया, गिलास कटोरी थी ना छोटी छोटी। हाँ ये 10 वाली है। और कटोरी, कटोरी और दूसरी नहीं है, और दूसरी डिजाइन में नहीं है, यही है। कैसे दे रहा है ये दीपक वगैरह? 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। अच्छा, और ये चम्मच 20 रुपए की एक, ये 20 की एक है।